नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल प्रवासी बांगाली। मैं हूं देवस्मिता। मैं उन दोस्तों को शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने में बहुत सपोर्ट किया है। अब रिक्वेस्ट करूंगी उन दोस्तों को जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे साथ रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने में मदद करें। आज बनाऊंगी चिकन रूलाट। चिकन रूलाट बनाने के लिए मैंने चिकन का एक ब्रेस्ट पीस ले लिया। अब इसको यहाँ से कट कर देंगे। और इसको एक हार्ट शेप दे देंगे। पूरा अलग नहीं करना है। ऐसे इसको हार्ट शेप कर लिया। अब इसको फ्लैटन करना है। एक प्लास्टिक ले लिया है। प्लास्टिक के अंदर ये थोड़ा मॉइस्चर्ड होना चाहिए, तो थोड़ा सा पानी इसमें लगा देते हैं और ये चिकन उल्टा तरफ दिखा देते हैं। ये वाला पोर्शन नहीं, ये वाला पोर्शन इसको थोड़ा सा फ्लैटन कर लेंगे। ये काफी फ्लैटन हो चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं। अब इसको मैरिनेट करना है। एक टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, लेमन जूस, सॉल्ट। अब इसको मैरिनेशन के लिए 15 मिनट तक ऐसे ही रख देंगे। यहाँ पर दो आलू ले लिया और गाजर। इस आलू को अभी
रेक्टेंगल शेप में काटेंगे। हाफ इंच थिकनेस में इसको काट लिया, इसे भी काट लेते हैं। ऐसे स्क्वायर करके, ये स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। अब गाजर को काट लेते हैं। गाजर थोड़ा लंबा रखेंगे, पहले इसको पील कर लेते हैं। ऐसे पतला लंबा करके काटना है इसे। ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, दो ही चाहिए। अब कुछ ब्रोकली जस्ट फूल लेंगे। और मशरूम इसको भी काट लेते हैं। एकदम पतला करके काट रही हूँ। दो ही काफी है। अब इस ब्रोकली को फाइनली चॉप कर लेते हैं। अब एक पतीला में पानी ले लिया, पानी में ये आलू डाल देंगे। आलू को 50% तक उबालेंगे इसको। एक प्याज ले लिया, इसको अभी फाइनली चॉप करके काट लेंगे। एक पैन चढ़ा दिया है,
इसमें दे देंगे बटर। अब जो आलू मैंने 50% उबाला था उसको अभी इधर फ्राई कर लेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। दोनों साइड गोल्डन ब्राउन हो गया है, अभी इसको निकाल लेंगे। इसे थोड़ा सा बटर मैंने निकाल दिया क्योंकि इतना नहीं चाहिए। अब इसमें दे दूंगी ये फाइनली चॉप किया हुआ ऑनियन। साथ में डालूंगी ब्रोकली और मशरूम। इसमें डालूंगी 3 चम्मच सॉल्ट क्योंकि बटर में ऑलरेडी सॉल्ट है। इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। अब एक लंबा सा एल्युमिनियम फॉइल मैंने ले लिया, ये मैरिनेटेड चिकन ब्रेस्ट जो है इसको मैंने इधर प्लेस किया। अब इसमें जो ऑनियन ब्रोकोली मशरूम फ्राई किया था वो डालेंगे। इसमें डालेंगे कैरेट, साथ में देंगे क्रीम चीज़, इसके ऊपर डालेंगे ड्राई पर्सले। अब इसको रोल करना है। थोड़ा टाइट करके इसको दबा के थोड़ा रोल करेंगे। दोनों साइड लॉक कर देंगे।
एक कढ़ाई में पानी उबल रहा है। अब ये जो रोल किया था इसको इस पानी में डीप कर देंगे, ऐसे कम से कम 15 मिनट तक रखना है। करीब 20 मिनट हो चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। दोनों साइड पहले काट लेते हैं। गरम है, अब पैन चला दिया। जो बाकी का घी मैंने बटर जो निकाल के रखा था वो डाल दिया। अब इसको इसमें डाल देंगे। फ्लेम को एकदम स्लो में रखेंगे। हल्का सा फ्राई करके निकाल लिया। अब इसको